तो दोस्तों ये है Realme का C11 2021 एडिशन यानी कि 2021 एडिशन। और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि इसका दो वीडियो जो कि रिक्वेस्टेड है, ये भी रिक्वेस्टेड है, और इससे पहले वाले भी गेमिंग रिव्यू फ्री फायर के साथ और ओटीजी टेस्ट ये आने वाला था, और गेमिंग रिव्यू तो छोड़ दिया हूं मैं, कल ही आया गया है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइस है, तो आज हम इसका ओटीजी टेस्ट करने वाले हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला था कि ओटीजी टेस्ट भी करके दिखा दिए, तो ये एक वीडियो आपके लिए हो गया। तो अगर आपको जानना है कि यहाँ पे ओटीजी सपोर्ट क्या कुछ करता है Realme C11 2021 एडिशन में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि यहाँ पे ओटीजी टेस्ट करने वाले, उसके लिए हम क्या कुछ रखे हैं, तो हार्ड ड्राइव रखे हैं, कीबोर्ड रखे हैं, एक माउस है और एक पेन ड्राइव है। वायरलेस वाला माउस है, वायर वाला माउस यूज नहीं करो तो एक ही काम है इसमें, कीबोर्ड वायर वाला है तो वो काम करेगा, तो माउस भी काम करेगा वायर वाला। और यहाँ पे वायरलेस वाला इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये काम करेगा तो वो भी कीबोर्ड वाला भी वायरलेस वाला काम करेगा, तो इसीलिए रखा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो जितने प्रोडक्ट इस वीडियो में यूज हो रहा है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, पहले हम पेन ड्राइव से शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमको पहले तो इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंसर्ट, तो ये मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं कनेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे हम देखते हैं दिखाता है कि नहीं, या फिर हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा, वो भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं तो रियलमी में पहले सेटिंग जाना पड़ रहा था, लेकिन आजकल शायद से मुझे जहाँ तक लगता है ये डायरेक्ट दिखा देगा, सेटिंग में जाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सब में पहले क्या होता था, आपको ओटीजी सेटिंग जाना पड़ता था, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि इससे पहले वाला भी रियलमी में यूज किया था, उसमें आजकल थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए हैं जिसमें कि आपको और वहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये HP USB ड्राइव, और ये देखिए फाइल आप ओपन कर सकते हैं, तो जस्ट वंस, और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से फाइल ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो जैसे कि बताया कि आजकल और जरूरत नहीं हो रहा है ओटीजी सेटिंग में जाके ओटीजी को ऑन करने के लिए, सब यहीं पे ही हो जा रहा है डायरेक्ट। जैसे कि रेडमी वगैरह हो गया, डायरेक्ट प्लग इन प्ले है, यानी कि आप सिर्फ USB को कनेक्ट करिए और ये हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पेन ड्राइव तो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। अब हम वायरलेस वाला माउस को कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं हम, और यहाँ पे हम इसको पुश करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया हूँ वायरलेस वाला माउस को। अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ हम करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वायरलेस वाला माउस भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड को कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद सबको मिला के एक साथ USB हब के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे, जैसे कि बाकी वीडियो में हम करते हैं। तो अभी हम कीबोर्ड कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड को कनेक्ट, और यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। आप देखते हैं यहाँ पे नोटपैड पे ये काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे जाते हैं हम नोटपैड में, या फिर क्रोम में ही चले जाते हैं हम। और यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं हम, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है। एक बार आपको यहाँ पे नजदीक से भी दिखा देता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, वहां पे शायद से दिख नहीं रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली कीबोर्ड भी काम कर रहा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत, तो कीबोर्ड भी यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं हार्ड ड्राइव की तरफ, और उसके बाद जैसे ही बताया कि आखिर में हम USB हब के थ्रू बाकी सबको कनेक्ट करके देख लेंगे।
तो अब हम करते हैं हार्ड ड्राइव को कनेक्ट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव को कनेक्ट, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लाइट अप हो गया है। अब हम जल्दी से यहाँ पे देखते हैं ये हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इशू फिक्स करने के लिए बोल रहा है, तो हार्ड ड्राइव यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और बार बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर इस तरह दिखा रहा है तो प्लीज कुछ मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, मे भी अगर आप बोलेंगे कि FATF से ये कर दिए चेंज कर दिए हो जाएगा, तो मे भी हो सकता है, या फिर क्या होता है ज्यादातर केस में करप्ट हो जाता है आपका हार्ड ड्राइव और उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं रहने देता हूँ अगर इस तरह दिखाता है। क्योंकि बहुत सारे फोन मैं टेस्ट कर चुका हूँ जिसमें दिखाना होता है वो डायरेक्ट दिखा देता है, और जिसमें नहीं दिखाना होता है ये सब होता है। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव काम नहीं कर रहा है। अब यूएसबी हब के थ्रू हम कीबोर्ड और माउस और पेन ड्राइव को हम कनेक्ट करके देखते हैं एक साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेरा यूएसबी हब जो है वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला आप ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले टेस्ट किया था काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया। और ये वाला जो चीज होते हैं ये 100-200 रुपए का होता है, तो बहुत जल्दी भी कभी कभी खराब हो जाते हैं। और ये वाला जैसे कि तो लगभग 1.5 साल से 2 साल हो चुका है ये वाला, लेकिन ये खराब नहीं हुआ था, अभी ये खराब हुआ है। तो कुछ इस तरह होता है, कभी जल्दी खराब हो जाता है, कभी बहुत दिन भी जाता है। तो ये अभी खराब हो चुका है, और इसके लिए माफी चाहता हूँ कि आपको यूएसबी वाला टेस्ट मैं दिखा नहीं पाऊंगा जो कि यूएसबी हब के थ्रू हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे आप यूएसबी हब के थ्रू भी मैं टेस्ट किया था ऑलरेडी, कि बाकी सब चीज कीबोर्ड वगैरह ये सब है ये आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो इतना ही, और माफी चाहता हूँ क्योंकि आधे में वीडियो रुक गया है, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये इसने धोखा दे दिया मेरे को, काम नहीं कर रहा, अब क्या करूँ मैं। तो वीडियो तो टोटल वैसे ही बना चुका हूँ, तो एक ही चीज है ऑलरेडी, मैं टेस्ट भी कर चुका तो काम कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया, और ये काम नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसको छोड़ दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू इस फोन के बारे में और यूएसबी टेस्ट के बारे में कुछ पता चल गया, इंटरेस्टिंग लगा है, तो चलो उसे लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देख रहे हैं टेक पंडित यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।